हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो ज़्यादातर पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा ठीक से लिखता नहीं है, सुंदर नहीं लिखता है, नीट नहीं लिखता है। और जब भी हम ये शिकायत करते हैं एज अ पेरेंट, क्या हमने कभी सोचा है कि बच्चे ने ख़राब लिखना कहाँ से सीखा है, वो अच्छा क्यों नहीं लिखता है, कभी इस बारे में सोचा है? सो इसका जो रीज़न है कि बच्चा ख़राब लिखता है या उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, जितनी आप सोचते हैं होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं है, तो इसका रीज़न कौन है, क्या है इसका? क्या इसका रीज़न बच्चा है? नहीं, इसका रीज़न बच्चा नहीं है, इसका रीज़न हम हैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर और बड़े लोग जो बच्चों को सिखाते हैं, हम उसका रीज़न है कि बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हम तो ये देखने आए हैं कि बच्चे की राइटिंग कैसे सुधार सकते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की राइटिंग अच्छी हो, और आप बोल रहे हैं कि हम ही रीज़न है हमारे बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आप एक बार सोच के देखिए कि जब आपके बच्चे ने लिखना शुरू किया था स्टार्टिंग में, या ऑलरेडी अभी आपका बच्चा LKG UKG में है, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप सोचिए जब उसने नर्सरी में लिखना शुरू किया था, LKG में नए अल्फ़ाबेट सीखे थे, तो उस वक्त क्या हमने इस बात का ध्यान दिया था कि हमारा बच्चा लिखने के लिए रेडी है या नहीं, उसने पेंसिल ठीक से पकड़नी सीखी है या नहीं, उसको उसका जो लिखते हुए बैठने का पोस्चर है वो ठीक है या नहीं, क्या वो लेट के लिखता है, क्या वो बहुत ज़्यादा नीचे झुक के लिखता है, या फिर उसने नोटबुक कैसे रखी है, क्या उसने नोटबुक अपने घुटनों पे रखी है, नीचे ठीक से सपोर्ट है या नहीं, और उसके अलावा क्या हमने बच्चे को अच्छे से हर एक लेटर का, हर एक अक्षर की जो फॉर्मेशन है, उसकी ओरिएंटेशन है, क्या हमने वो बच्चे को अच्छे से समझाई, क्या हमने बच्चे को बताया कि ये लेटर सिर्फ दो लाइन में लिखना है, यहाँ से शुरू करके ऐसे जाना है, फिर इसको वापस लाना है, फिर इसको यहाँ पे ख़त्म करना है, क्या हमने उसको ऐसे हर एक लेटर समझाया है? और सबसे बड़ी बात जो बच्चों की राइटिंग ख़राब करने में इस सेंटेंस का या इस फ्रेज़ का जो सबसे बड़ा हाथ है, वो फ्रेज़ है जल्दी लिखो, राइट फास्ट। जैसे ही हम बच्चे को नोटबुक और पेंसिल पकड़ाते हैं, हम बोलना शुरू करते हैं जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सो इससे क्या है कि बच्चे के दिमाग में वो टेंशन बनती है कि मुझे जल्दी लिखना है, और उस वो टेंशन फिर हाथ में पास हो जाती है और बच्चे की राइटिंग ठीक से नहीं हो पाती। सो हम अपना खुद का एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि जब हम एग्ज़ाम लिखते हैं, और आपने भी आई एम श्योर कि एग्ज़ाम लिखा होगा, और जब लास्ट के 5 और 10 मिनट बचते हैं और टीचर बोलते हैं कि लास्ट 10 मिनट्स, लास्ट 5 मिनट्स, तो आपकी हालत क्या होती है? आपको पता है आपको लिखना है, आपको बहुत आप जितना हो सके उन लास्ट 5 मिनट्स में लिखने की कोशिश करते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। आपने कभी ध्यान दिया आपकी राइटिंग कैसी होती है उस टाइम? सो वही बात बच्चे के साथ होती है, उसका दिमाग इतना मैच्योर नहीं है कि वो इस बात का भी ध्यान रखे कि उसको अच्छा लिखना है और इस बात का भी ध्यान रखे कि उसको जल्दी लिखना है। सो उसकी अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो हम जैसे ही बोलते हैं कि जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, तो बच्चे का वही हाल होता है जो आपका एग्ज़ाम के लास्ट 5 मिनट्स में होता है। सो ये कुछ एक रीज़न है कि बच्चे की राइटिंग ख़राब होती है। सो हम अब देखते हैं कि बच्चे की राइटिंग हम अच्छी कैसे कर सकते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट, आप कभी भी बच्चे को, अगर आपका फोकस ये है कि आपके बच्चे की राइटिंग अच्छी बने और वो अच्छे से लिखना सीखे, तो आप उसे कभी भी ये मत बोलिए कि जल्दी लिखो, राइट फास्ट, नेवर से दैट। उसका रीज़न क्या है कि बच्चे को अपनी खुद की जो एक स्पीड है उस पे लिखने दीजिए, उसको आप ये भी मत बोलिए कि धीरे धीरे लिखो, आराम से लिखो। आप देखिए कि बच्चे की स्पीड क्या है, उसको आप सिर्फ ये बताइए कि ये लिखना है, ऐसे लिखना है, और उसको लिखने दीजिए जितना टाइम वो लेता है, जैसे भी लिखता है, आप पहले देखिए कि उसका उसकी स्पीड क्या है। दूसरी बात कि जब बच्चा आराम आराम से लिखता है, आप उसको सिर्फ ये बताइए कि इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, और उससे क्या होगा कि उसकी जो हाथ की है मसल मेमोरी बनेगी। मसल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जब आपने पहली बार ड्राइविंग सीखी है, या फिर स्कूटर या स्कूटी राइडिंग सीख रहे हैं आप, तो उसमें क्या होता है कि शुरू शुरू में हम धीरे धीरे चलाते हैं, हमारे हाथ भी इतना बैलेंस नहीं कर पाते हैं, हम धीरे धीरे जाते हैं, हम बहुत ध्यान से इधर उधर देखते हैं कि कुछ आ तो नहीं रहा है, फिर ब्रेक लगाने के लिए या हॉर्न बजाने के लिए हमें बहुत कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब वही बात हम धीरे धीरे ऑलमोस्ट डेली प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद हम अच्छे से चलानी आ जाती है, उसके बाद हम चला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं है, और ऑटोमेटिकली अगर कुछ सामने आता है तो हम फटाक से ब्रेक लगा लेते हैं। उस टाइम
हम चाहे हमारा दिमाग कहीं और होता है, हम कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन हमारा हाथ और पैर इतने ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि सामने सडनली अगर कुछ आता तो हम फटाक से ब्रेक लगाते हैं। दिमाग कहीं और होता है लेकिन हमारे हाथ और पैर की जो मसल मेमोरी है वो इतनी अच्छी हो चुकी होती है कि हम ये बिना एफर्ट के ही सारे काम कर सकते हैं। उसी तरीके से बच्चे की जो मसल मेमोरी है आप उसको बनने दीजिए। अगर उसको अल्फाबेट लिखने में, लेटर लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, उसे खूब प्रैक्टिस करवाइए और आराम आराम से करने दीजिए ताकि उसके हाथ को ये आदत पड़ जाए कि ये जो अल्फाबेट है इसकी बनावट ऐसे होनी है। अब चाहे वो क्लास में लिख रहा है या घर में लिख रहा है या टीचर बोले कि जल्दी लिखो, जो भी सिचुएशन है उसमें उसकी हाथ वैसे ही चलेगा। जैसे हम बोलते ना हाथ को जमने दो, हम हिंदी में जैसे बोलते हैं हाथ जमने दो, सो हर एक लेटर के लिए, हर एक नंबर के लिए हाथ को अच्छे से जमने दीजिए, उसकी मसल मेमोरी बनने दीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जब बच्चा लिखना शुरू कर रहा है या ऑलरेडी आपका बच्चा लिखता है तो आप ये देखिए कि उसकी ग्रिप कैसी है, उसकी पेंसिल ग्रिप ठीक है या नहीं, उसने पेन या पेंसिल को ऐसे ठीक से पकड़ना सीखा है या नहीं, इस चीज़ का भी बहुत मैटर करता है। उसके बाद अगर जब वो लिखता है तो उसका ये हाथ नोटबुक पे है या नहीं, वो कहीं सिर्फ हवा में तो हाथ ऐसे नहीं रखता है या फिर पूरा हाथ तो ऐसे नहीं रखता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी बात कि जब आप पेंसिल दे रहे हैं, शुरू में जब बच्चा नर्सरी में लिखना शुरू कर रहा है तो उसको पूरी बड़ी पेंसिल मत दीजिए, यूज़ की हुई या फिर थोड़ी सी छोटी पेंसिल दीजिए और एकदम छोटी पेंसिल भी मत दीजिए ताकि उसका हाथ उसको बैलेंस कर सके। बड़े बच्चे जब वो 5-6 साल के हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। और फिर ये भी देखिए कि पेंसिल बहुत ज़्यादा शार्प ना हो या फिर बहुत ज़्यादा ब्लंट ना हो, सो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो पेंसिल ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नंबर 3, हमें बच्चे के लेटर फॉर्मेशन पे बहुत ध्यान देना है। अगर आपका बच्चा अभी लिखना सीख ही रहा है, नर्सरी में है, सो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उसके जो स्ट्रोक्स हैं, इनिशियल स्ट्रोक्स हैं, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व्स, ये सब बहुत क्लियर हैं और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस हो गई है ताकि बच्चा अच्छे से अल्फाबेट्स की फॉर्मेशन भी सीख सके। सो इसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं। और जब बच्चा ये लिखना जानता है, जैसे कि अगर आपका बच्चा LKG, UKG या ग्रेड 1 में है और तब आपको ये हैंड राइटिंग ठीक करनी है, तो आप बच्चे को ये क्लियर कीजिए कि इंग्लिश के या हिंदी के या जो भी आप अल्फ़ाबेट लिखना सिखा रहे हैं कौन सी लाइन में आएगा। जैसे इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स हैं उनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा 2 लाइन में आएगा, कौन सा ऊपर की 3 लाइन में आएगा, कौन सा नीचे की 3 लाइन में आएगा या 4 लाइन में आएगा, तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे के लिए आप बहुत अच्छे से और बहुत साथ में बैठ के पेशेंस के साथ उसको क्लियर कीजिए। और उसके लिए स्मॉल लेटर्स के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं कि कौन से टॉल लेटर हैं, टेल लेटर हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। साथ में बैठ के उसके फॉर्मेशन समझाइए कि इस लेटर की फॉर्मेशन ऐसे है, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये अच्छा लगेगा, ऐसे लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए सुंदर राइटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। उसके लिए सिर्फ ये होता है कि मुझे ये लिखने के लिए बोला गया है और मैं ये लिख रहा हूँ। खुद को, बच्चे को हमेशा यही लगता है कि जो मैंने लिखा है वो सही है, वो एकदम सही है। उसको ठीक से नहीं लिखा है या उसको ठीक से लिखना सिखाना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब बच्चा ये फॉर्मेशन सीख चुका है, और सीखने में जो मदद कर सकते हैं वो है नोटबुक। आप कभी भी प्लेन पेपर पे ये मत समझाइए कि 4 लाइन में ये ऊपर वाली लाइन में आएगा या नीचे वाली लाइन में, उसको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्लेन पेपर पे सब अल्फाबेट बराबर हैं। आप उसको 4 लाइन की नोटबुक दीजिए तब उसको ये समझाइए। दूसरी बात, जब बच्चा अल्फाबेट लिख रहा है तो उसको समझाइए, या फिर जब वो वर्ड और सेंटेंस भी लिखता है तो फिंगर स्पेसिंग ज़रूर करवाइए। एक वर्ड या अल्फाबेट लिखा, उसके बाद अपने राइट हैंड की या लेफ्ट हैंड की जो भी है इंडेक्स फिंगर वहाँ रखवाइए और फिर नेक्स्ट अल्फाबेट या वर्ड लिखवाइए, फिर से फिंगर स्पेस और अल्फाबेट या वर्ड। इससे क्या होगा कि जो लिखावट है उसमें डिस्टेंस इक्वल रहेगा और ये बहुत नीट लगेगा और धीरे धीरे बच्चे को वो डिस्टेंस देने की आदत हो जाएगी। और उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि उसने नोटबुक कहाँ रखी है, पैरों पे रखी है या नीचे हार्ड और प्लेन सरफेस है या नहीं, टेबल पे अच्छे से रख के या फिर बोर्ड पे अच्छे से रख के उसको लिखने की प्रैक्टिस करवाइए। नंबर 4 पॉइंट,
आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप अपना एग्जांपल लीजिए, जब ड्राइविंग सीखी है आपको लगातार 15-20 दिन जाना पड़ता है विदाउट ब्रेक, ऐसे ही बच्चे को विदाउट ब्रेक एवरी डे, चाहे आप एक लाइन लिखवाइए, दो लाइन लिखवाइए या पूरा पेज लिखवाइए, डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना लिख सकता है बिना प्रेशर के, उसी हिसाब से। लेकिन प्रैक्टिस डेली करवाइए, उससे क्या होगा कि बच्चे की प्रैक्टिस बनी रहेगी और वो भूलेगा नहीं। और दूसरी जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वो अल्फ़ाबेट या अक्षरों की बनावट में चाहिए। अगर आप बच्चे को जैसे कि बी बनाना सिखा रहे हैं, अगर आप प्रिंट वाला बी सिखा रहे हैं तो एवरीडे वही बताइए। अगर आप कर्सिव वाला सिखा रहे हैं तो एवरीडे कर्सिव वाला ही सिखाइए। ऐसा नहीं कि एक दिन इस तरीके का बी बना दिया, एक दिन दूसरे तरीके का बी बना दिया और आप बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एकदम सही बनाए, जैसा आपने बनाया वैसा ही बनाए। आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए कि आपकी जो फॉर्मेशन है लेटर्स की, उसमें आप खुद भी कंसिस्टेंसी रख रहे हैं और वही आप बच्चे को सिखा रहे हैं। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप बच्चे को एकदम सोने से पहले, उसको जब नींद आ रही है तब प्रैक्टिस करा रहे हैं, या फिर एकदम उठते ही करवा रहे हैं, या फिर उसको भूख लगी है, या उसने खाना अभी खाया ही है। सो इन सब छोटी छोटी बातों को भी देखिए कि ऐसे टाइम पर प्रैक्टिस ना करवाएं जहाँ जब बच्चे को कम्फर्टेबल ही नहीं है। अगर उसको नींद आ रही है तो कैसे प्रैक्टिस करेगा, उसको भूख लगी है तो उसका ध्यान बार बार वहीं जाएगा कि मुझे खाना चाहिए। सो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए। नंबर 5, आप ये राइटिंग प्रैक्टिस को थोड़ा सा फन बनाइए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा जो बेटा है उसकी राइटिंग पे आजकल मैं काम कर रही हूँ, तो उसमें क्या है कि जब वो कुछ बड़ा लिखता है या फिर कुछ टेढ़ा मेढ़ा लिखता है तो मैं उसको बहुत अजीब अजीब से एग्जांपल देती हूँ कि ये क्या क्रोकोडाइल बना दिया आपने, या फिर ये क्या डायनासोर की तरह उधर जा रहा है, क्या ये मेंढक की तरह उछल रहा है। सो उस तरीके से मैं उसको एग्जांपल देती हूँ जिससे वो, उसको हंसी भी आती है और वो अगली बार उसको ठीक करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल जैसे ई लिख रहा है, सो छोटी ई लिखी उसने, सो यहाँ वाला कर्व छोटा बनाया, तो उसको मैंने बोला ये क्या किया आपने, इसकी टमी इतनी छोटी कर दी, सर इतना बड़ा कर दिया, अगली बार इसकी टमी भी बड़ी करना। सो उसको हंसी भी आती है और अगली बार वो फिर बोल के करता भी है, देखो मैंने टमी बड़ी कर दी है। सो इस तरीके से आप अपने बच्चे को देखिए कि उसकी किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किन चीज़ों पे उसको हंसी आती है। सो उसको थोड़ा फन भी बनाइए। कंपैरिजन भी मत कीजिए बच्चे का कि देखो मेरी राइटिंग अच्छी है, देखो मैंने कितने अच्छे से लिखा, आपने क्यों नहीं लिखा, ऐसा मत बोलिए। उसको अप्रिशिएट कीजिए कि अरे वाह आपने इतना अच्छा लिखा है, अगली बार इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, देखिए अगली बार इसको ऐसे करेंगे तो और सुंदर लगेगा या और नीट लगेगा। तो आपको उस तरीके से बच्चे को थोड़ा सा बढ़ावा देना है कि आप अच्छा लिख रहे हो लेकिन आप और भी अच्छा कर सकते हो। और एंड में मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब भी आप बच्चे के साथ काम करें तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि वो छोटा बच्चा है, उसके लिए ये नया काम है, उसको नहीं पता कि सुंदर राइटिंग क्या होती है और क्या गंदी राइटिंग क्या होती है। वो सिर्फ ट्राई करता है कि जैसा उसको बोला गया है वो लिख रहा है। सो आप बहुत सारा पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप उसको लिखना सिखाइए। आई एम श्योर आपके बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और अभी 2 महीने की छुट्टियां वैसे भी आ रही हैं तो उसमें आप बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। और मैं भी अपने बेटे को सिखा रही हूँ और छुट्टियों के एंड में उसकी राइटिंग का रिजल्ट क्या है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि कौन सी टिप आपके लिए फ़ायदेमंद रही, कौन सी ज़्यादा हेल्पफुल रही है और आपके बच्चे की राइटिंग कितनी बेहतर हो पाई है। तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।